ताकि दोनों पति के आदमी जो है तो उससे काम ले सके। और ये पानी जब भी जाएगा उधर से नहीं जाएगा, वापस आएगा। 6 इंच का उसका धार है, क्या होगा उसका? प्रधान से इतना तक कर दिया कि अरे भाई चैम्बर उसका हटवा दो अभी फिलहाल, अगर जिस दिन वो लगने वाला होगा उस दिन आप हमसे कितना बताए भैया बजट आपको? 17 लाख से। हाँ सुनने में तो आया था यही कि 17 लाख रुपया लगा है। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर एरिया बनारस से हूँ। इस समय मौजूद हूँ मैं वाराणसी के चिरई ब्लॉक अंतर्गत नरपतपुर गांव में। आपने अभी हमारे कैमरे के जरिए देखा होगा कि सीवर लाइन तो पड़ गई है, लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सीवर लाइन तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए पूरा किया गया है गाँव में, लेकिन आज भी इससे हम लोग को कोई लाभ नहीं है, बल्कि एक तरफ से दुर्घटना का कारण ही बना हुआ है। क्योंकि सीवर ब्लॉक प्रमुख के तहत लगी थी और ये लगभग में 17 लाख के बजट से लगी थी, और आज भी ग्रामीणों को जो पानी है 20 सड़क पे बह रहा है सीवर लगने के बावजूद भी। तो चलिए हम यहाँ के गांव के लोगों से जानते हैं कि ये सीवर जो पड़ा है इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आप बने रहिएगा जानने के लिए पूरी खबरें। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क के लगभग 200 मीटर होगी ये सड़क, और दोनों तरफ 300 मीटर है, लेकिन दोनों तरफ पानी ही बह रहा है। सीवर बीच में देखिए आप लगा है, लेकिन ये सीवर लगने से क्या फ़ायदा है? खाली सरकार की जो बजट है पास करने के लिए ये सीवर बैठाया गया है, लेकिन जनता के लिए आज भी जूझ रही है सीवर की समस्या से। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं कुछ भाई, हम उनसे जानेंगे। आपका नाम चाचा? जहीर आलम। ये कौन सी जगह है? नरपतपुर चिरई गांव ब्लॉक। एक इतनी लंबी सीवर लगी हुई है, इससे क्या फायदा है? कब का लगा है? छोर से लेकर दूसरे छोर एक मोड़ तक लगी हुई है, इससे कोई फायदा नहीं है। कब का लगा है, किसके तहत लगा है? लगभग 1 साल हो रहा है। कितने बजट से लगा था? ये सुनने में आया था कि 17 लाख रुपए के बजट से आया लगा है। कौन लगवाए थे उस समय? जो उनका नाम था पप्पू भोकाली। क्या उनका पद था, मतलब ब्लॉक प्रमुख थे? इससे क्या फायदा है आप लोगों को? कोई नतीजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सिवा नुकसान के। गली में पानी भर जाता है, आने जाने में दुश्वारी होती है। हम अंधे आदमी है, हमारे आँख से दिखाई नहीं देता, लेकिन आने जाने में बार बार परेशानी होती है। कई मरतबा तो फिसल के गिर गए। घर का पानी रोड, जो रोड का पानी बह रहा है उससे किस तरह की दिक्कत हो रहा है? क्या ये सीवर लगाए गए हैं तो जनता की सुविधा के लिए लगाए गए हैं कि या पर से सरकार के बजट खर्चा? सरकार की बजट को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए। आप लोग को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। जो पानी भरा है उससे किस तरह की दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी जो भरा हुआ है उसमें आना जाना दुश्वारी है। रास्ते में गाड़ी आती है, गाड़ी फंस जाती है, कीचड़ पैदा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है। कभी इसकी आवाज नहीं उठाई भैया कि अगर जो इससे उठाए? एक मरतबा अनिल राजभर साहब आए थे यहाँ के, जो है तो बड़े नेता है, मंत्री जी हैं, उनसे हम लोगों ने कहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको पास करवा देते हैं। कितने दिन पहले आए थे भैया? अरे करीब करीब 1-1.5 महीना हो रहा है। अच्छा, तो अभी तक कोई देखने नहीं आया? अभी नहीं। कोई नहीं देखने आया। क्या उम्मीद है कि इसी तरह रहेगा, कोई देखने आएगा भी? भाई अब क्या, हम लोग क्या, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी है, समझिए कि एक नाली के कीड़ा है हम लोग। और कोई समस्या सरकार की तरफ जब हम लोग पास पहुँचेगी तब तो उनको समझ में आएगा, जब सरकार की तरफ बहुत पहुँचती नहीं, बीच में ही खाकर बरबर कर देते हैं लोग। तो भैया जिस तरह देखा जाए तो फिर 2022 का चुनाव आने वाला है, लोग क्या लगता है फिर आएंगे, क्या मुद्दे लेकर आएंगे, क्या करेंगे आप उस समय? अब क्या किया जाएगा, जैसा होगा उस समय देखा जाएगा। क्या आप लोग वोट देंगे किसी को कि क्या करेंगे, किस तरह का? कहा था कि सबका साथ सबका विकास, और हर चीज की जो है तो
सबको सुविधा दी जाएगी। क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? कोई सुविधा नहीं मिल रही है, गांव में तो एकदम सुविधा नहीं मिल रही है। पूरा गांव नरक बना हुआ है भाई, पानी कहीं सीवर में नहीं जाता है। कोई सुविधा नहीं, आपको तो कोई सुविधा नहीं, सारा सारा पानी तो नहीं मोहल्ले में रोड पे और गली में बहता है, कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, कोई ध्यान भी देने नहीं आता। स्वास्थ्य को लेकर के लगातार प्रशासन कई तरह की योजनाएं लगा रही है, लेकिन उसी दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरी गंदगी छाई हुई है। क्या विभाग की तरफ से कोई यहाँ पे दवा की छिड़काव या कभी कोई सफाई होती है? नहीं, कभी नहीं। प्रधान द्वारा कभी काल को आते महीने दो महीने पर दवा छिड़क देते हैं बस, लेकिन हमारे तरफ और वो भी नहीं होता है। और यहाँ पे कचरे का डब्बा भी कोई ऐसी नहीं रखा गया है? नहीं, कुछ नहीं, मतलब रखा गया तो भरा जाता है तो उसको कहाँ जाएगा, कोई आता नहीं है, कचरे का डब्बा रखा हुआ था लेकिन वो पड़ा पड़ा सब टूट के खत्म हो गया, कोई आया नहीं उसको कचरा उठाने के लिए, गाड़ी नहीं आई, प्रधान उस पर ध्यान दिए, कचरे का डब्बा टूट के स्टैंड सब खत्म हो गया। लेकिन बनारस में तो कहते हैं काशी की नगरी, और काशी में बहुत विकास हुआ है, गांव स्तर में देखिए या जो शहर क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे, विकास हुआ या नहीं? शहर से लगा हुआ गांव है लेकिन यहाँ गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ है, ये हमारे डुकिया नरपतपुर गांव में कोई विकास नहीं हुआ, प्रधान भी हुए तो अपना रोटी सेके, और जो यहाँ के मंत्री भी हुए तो अपना देखे, ये गांव का खाली आके उस पे हम लोगों को मलहम लगा के चले जाते हैं। चुनाव के समय क्या बोलते हैं आकर के? यही कि हम आपका ये सब पानी का निकास करवा देंगे, रास्ता बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। पाँच साल बीत गया, फिर 2022 में चुनाव आने वाला है, फिर क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब चुनाव आने वाला है, समय पर देखा जाएगा, हम लोगों को तो वोट देना है, सिर्फ वोट देने से हम लोगों को मतलब है, और कोई चीज से मतलब तो है नहीं कि कोई विकास मिले हम लोगों को, कोई योजना मिले, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, आश्वासन से ही बस मतलब पाँच साल बीत जाता है। आश्वासन से पाँच साल बीतता है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो एक चाहे अधिकारी हो या चाहे नेता हो, लेकिन उनका एक मंत्र है वो आश्वासन का ही, जाने के बाद आश्वासन तो दे देते हैं लोग, लेकिन अपने आश्वासन के साथ ही उसी तरह समाप्त हो जाता है। लेकिन गांव की स्थिति आज इतनी बुरी है कि हम आप खुद देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा, ये है नरपतपुर का हाल, और शिवर का भी देख रहे हैं कि शिवर जो सरकार की बजट है 17 लाख, लगभग 17 लाख तो खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्या स्थिति है, क्या इसे फॉर्मेलिटी पूरा करने पे गांव की समस्या चली जाएगी? अब पानी सीवर का लगातार ही आप देख रहे हैं किस तरह के लोगों के सड़क पे द्वार पे बह रहा है। आपको हम पूरी जो है जितनी लंबी सड़कें हम आगे तक भी दिखाएंगे, आप बने ये पहले देखिए, ये है गांव की विकास, जहां पे सरकार कहती है कि मैंने कई तरह के बजट तो हर विकास पे खर्च किया, लेकिन उस बजट का क्या है मतलब है जब जनता का कोई लाभ ही नहीं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ किस तरह की सीवर बैठ गई है, आखिर ते पैसा कहाँ गया? देख रहे हैं भैया शायद कुछ हो जाए। चलिए तो हम आगे तक चलते हैं, इस सीवर का हाल दिखाएंगे, जो सीवर तो पड़ चुका है लेकिन इससे किस तरह की जनता को फायदा है, क्योंकि सीवर पड़ने के बावजूद भी, सरकार के बजट खर्चा करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि पूरी रोड पे पानी बह रहा है। ये रोड पे पानी क्यों ऐसा बह रहा है? आपके द्वार पे तो सीवर लगा है ना, तो सीवर बह रहा है तो कहाँ से जाएगा?
सीवर कहाँ से जाएगा? देखिए वो जो ये ऊपर लगा है इसमें से तो पानी जा नहीं रहा है, और जो पानी ऊपर के जो पहले का लगाए थे लोग नीचे ही पाइप हो गई है, और ये जो पानी बह रहा है कि सबके घर का पानी आ रहा है, मतलब सीवर से कोई मतलब लेना देना देना नहीं, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाया गया है, खाली बस मतलब जनता के गुमराह करने के लिए बन गया है। हाँ, गुमराह करने के लिए बनाया गया, पैसा वसूल लिया गया, अपना दिखा दिया गया कि लग गया, पाइप हो गया, काम कोटा पूर्ति हो। और समस्या आज की इसी तरह है आप लोगों की? उसी तरह है कि क्या बताएं, अभी कितनी बार लड़ाई हुई है, अब कोई घर का किराया भी दे और नाली भी साफ करवाए। कितने समय से आप लोग जूझ रहे हैं इससे? अरे एक साल तो हो ही गया, एक साल से बिछा है, नहीं तो पहले अच्छा खासा जाता था। अब बगल में स्कूल भी है, कितने लगभग बच्चे भी आते होंगे, इससे कितनी दिक्कत होगी? और क्या, वो तो स्कूल वाला भी क्या करे, अभी तो इसी के लिए लड़ाई कितनी बार हो चुकी है, हम तो कंप्लेन करने वाले हैं, प्रधान के गए थे तो सुने नहीं, तो बोले कि एप्लीकेशन डालिए, तो बोला हम लोग किराए वाले हैं, कितना बार एप्लीकेशन ले जाके दौड़े, क्या करे बताइए, क्यों सुनाई नहीं होती है? हम जाए कौन जाएगा, ये सब सबों को जाना चाहिए ना। अरे नहीं बाजी, कोई की सुनाई नहीं होते, कोई सुनवाई नहीं होते, जो बात देखो साफी साफा, प्रधान है जब वोट लेवे के रहा तो आयन में घा के तरह फिर लेवे ना करे, देखिए पानी वहाँ गली में बह रहे, सब तो बह रहा है, खाली वोट लेने आते हैं। हाँ खाली वोट लेवे आवे, क्या कहकर वोट लेते हैं? अरे वही कहिए की जीत जाए तो बनवावे ना, का बनवावे तो इनका नहीं बनवाते हैं, नहीं कोई ना सुनवाई बाजी, जब कह दीजिए आगे कोई सुनवाई उनवाई है ना, अभी तो फॉर्मेलिटी है पूरा करना है, आज से हमने 6-7 महीना से खाली झेलते जा मच्छर उच्छर से। अब कोई दवा भी छिड़कानी होती है? नहीं दवा छिड़काती है, एक बार में छिड़कानी है, साल में नहीं तो नहीं छिड़काती, इसके लिए तो भाई करिए जो है। देखिए अब हमने कपड़ा कचा जो ऐसे नारी से पूरे हर नारी देखो वो सब चेप चाप होते, यही सब होते ही यहाँ, ये घर का पानी आ रहा है, यूनिफॉर्म का दे जाते ना अच्छा लगे थे। तो आपने देखा ये है हमारे काशी का विकास, जहाँ पे किस तरह का बजट हर बार सौगात ही मिलती है, लेकिन शहर से छट जो कि सटा हुआ है, और बगल में आप देख रहे हैं जो कि शिक्षा की मंदिर भी है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, और जब इस रास्ते से अगर बच्चे गुजर रहे हैं क्या उन्हें बीमारी नहीं होगी? तो आप देख सकते हैं इस समय सड़क का हाल और शिवर का हाल, शिवर तो पड़ा मगर वो भी अधूरा। हेलो दोस्तों, आपने देखा अभी हमारे कैमरे के जरिए कि क्या है गांव की विकास, ये है नरपतपुर का हाल। आपने देखा कि बजट पास हो गया बिना काम का, क्योंकि जो सीवर लगा है उससे कोई फायदा ही नहीं है, आज भी गांव उसी तरह झेल रही है जैसे पहले झेलती थी, ऐसा सीवर लगने से क्या फ़ायदा, क्या फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है? यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि जब हम लोग कहीं शिकायत करते हैं तो सुनवाई ही नहीं होती है। तो बने रहिएगा हमारे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखें गांव की क्या है स्थिति।